व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। त्याग दिन में आप सभी का खैर मकदम। आज का दिन बहुत ही बड़ा और अहम दिन है। आज ही के दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस मुल्क को संविधान दिया और यही संविधान इस मुल्क की बुनियाद रहा। 26 जनवरी 1950 को इस मुल्क में संविधान लागू किया गया। यौम जमहूरिया का मतलब है अवाम के जरिए अवाम के लिए हुकूमत। सभी भारतीय शहरियों के जरिए बिना भेदभाव तफरके इख्तलाफ के मनाया जाता रहा। हम सभी शहरियों को इस मुल्क के शहरी होने का फख्र होना ही आज के दिन का पैगाम है। माशरे में, समाज में हमारी अलग मजहब, जाति, धर्म या मुख्तलिफ जुबानें और दिगर चीजें हैं जो हमें अलग करती है, लेकिन इसकी एक वसी तस्वीर यह है कि हम सभी भारतीय हैं। सभी भारतीयों के जरिए इत्तेहाद के तौर पर यौम जमहूरिया को मनाया जाता है। हमारे मुल्क के अजीम मुजाहिद आजादियों ने संघर्ष और अपने जद्दोजहद और जानों की कुर्बानियां दी थी। उसी की वजह से मुल्क को मुकम्मल आजादी मैसर हुई और आज सभी मुख्तलिफ तहजीब, जुबान, मजाहिब, रंग, नस्ल के इस मुल्क में मुत्तहिद हैं और आजाद भी हैं। खैर, आज हमने 74वां यौम जमहूरिया मनाया और संविधान बनाने में अहम किरदार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने निभाया। अब जब 74 साल गुजरे हैं तो कई सारी तब्दीलियां भी रोनुमा हुई। वक्त के साथ हुकूमतें बदलती गई और अब जब 74वां यौम जमहूरिया मना रहे हैं, कहीं तो मुल्क का संविधान ही खतरे में नजर आ रहा है। जो चाहे मनमानी बयान के जरिए संविधान के परखच्चे उड़ाते हुए देखे जा रहे हैं। मजहब धर्म की सियासत उरूज पर है और साथ में इख्तदार पजीर हुकूमतें अपना हर सरकारी मौकमा अपने कब्जे में रहे इसका ख्याल भी बड़े ही मुनज्जम अंदाज में रखते हुए देखा जा रहा है। बचपन से हमने भी देखा कि 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी को बड़ी ईद त्योहार के तौर पर मनाया जाता रहा, लेकिन धीरे धीरे अब ये जो जज्बा और इसकी अहमियत कहीं तो घटते हुए नजर आ रही है। हुकूमतों का डर अब तमाम सरकारी मौकमाओं में देखते हुए पाया जा रहा है। यहाँ तक नौबत पहुंची कि संसद के बगल में कुछ फिरका परस्त तंजीमों ने संविधान को नजर आतिश करते हुए इसे बदलने की मांग की। अजीम मुजाहिद आजादियों को बड़े अकीदत और इज्जत से पेश आया करते थे, अब इनकी तौहीन भी होने लगी है। कहने को तो सब बतौर रस्म रहा, लेकिन इसकी रूह को कहीं तो ठेस पहुंचाने की कोशिश होने लगी। आज इसी मौजू पर बोलना जरूरी समझ रहा हूँ, क्योंकि अब मीडिया अगर हुकूमतों का चाटुकार बनती है तो इसका मर्तबा, रुतबा, रुपया सब कुछ बरकरार मिलता रहता है। और अगर संविधान विरोधी कुछ लोगों के खिलाफ आप बोलते हैं या इनके विरोध में रिपोर्ट बनाते हैं तो पुलिस थानों से फोन आते हैं और पुलिस थानों में तलब भी किया जाता है। आपका क्या कसूर है? इससे ज्यादा किसी सियासी पार्टी को खुश करने के लिए बेगुनाहों को हिरासा करना अब इनकी ड्यूटी बनने लगी है। यानी कोई किसी को पूछने वाला ही नहीं और यही संविधान बदलने के आसार नजर आने लगे हैं। जब कुर्सी पर वर्दी पहने बैठा थानेदार का अफसर बजरंग दल के लीडर की जबान बोलने लगे तो इसे क्या कहा जाए? आप वर्दी या सियासी लीडर बनते वक्त मैं संविधान की कसम खाता हूं कि मुल्क इत्तेहाद को बरकरार रखूंगा। अपनी जिम्मेदारी के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों का एहतराम करते हुए खौफ, तफरका, नफरत के बगैर इंसाफ करूंगा, मुल्क के आईन के मुताबिक इंसाफ करूंगा। इसे दोहराते हुए 74 साल गुजर गए। क्या वाकई जिस संविधान की कसम खाकर अपनी जिम्मेदारियां निभाने का हल्फ उठाया जाता है, इसका एहसास बाद में कितने लोगों को रहता है? खैर, आज बेलगाम शहर में यौम जमहूरिया मनाया तो गया, लेकिन पहले वाला जोश कहीं नजर नहीं आया। सरकारी तौर पर तो बड़े अंदाज में मनाया गया, पर क्या आवाम की अपनी जिम्मेदारियां नहीं है? आवाम को इस अजीम मुकद्दस दिन का पास लिहाज नहीं है या इसे जानबूझकर किसी और एजेंडे के तहत भुलाने की कोशिश जारी है? और सबसे अहम बात यह नजर आई कि जिस संविधान रचयिता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने तमाम तफरकों को मिटाकर एक संविधान दिया, क्या उस बाबा साहब अम्बेडकर को ही भुला दिया जाए? आज इस मुल्क में जितना भी अमन कायम है तो महज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की ही देन है, जो इस मुल्क को तोड़ने के लाख कोशिशों के बावजूद ये मुल्क मजबूती के साथ खड़ा है। लिहाजा बेलगाम शहर के कुछ जगहों पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर को न रखते हुए सिर्फ भारत माता की तस्वीर लगा दी जाए, इसे क्या कहा जाए? जब इस दिन को ही प्रजासत्ताक दिवस कहा जाता है, गणराज्योत्सव कहा जाता है, आज ही के दिन संविधान लागू कर गणतंत्र दिवस कहा गया और इसके रचयिता को ही भुला दिया जाए, क्या ये महज इत्तफाक है या इसके पीछे भी कोई साजिश है, षड्यंत्र है, समझने की जरूरत है। आज जब हमने महज कुछ इलाकों का दौरा कर इसे महसूस किया और कुछ जगहों पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर को न लगाने की वजह पूछी तो बजाय जिन्होंने बाबा साहब की तस्वीर न लगाकर उनका अपमान करने वालों को थाने में बुलाते, हमें ही बुलाकर डराने की कोशिश की जाए तो इसे क्या कह सकते हैं? क्या कोई वर्दी में आरएसएस का शख्स तो बैठा नहीं है? और अगर ऐसा है तो इन पर कार्रवाई की कौन जिम्मेदारी लेगा? क्या आला अफसर इस संजीदगी से लेंगे? क्योंकि किसी एक की वजह से महकमा पर सवाल खड़े हो सकते हैं। हमने इस बात को डीसीपी तक पहुंचाई है। साबिक एमएलए फिरोसेट साहब ने भी सीपीआई से बात कर जवाब तलब किया है। बार बार पुलिस थाने बुलाकर हिरासा करने पर
प्रेस काउंसिल में भी बात को पहुंचाया है। खैर बात और आगे कहां तक पहुंचती है देखना है। हम पर मुकदमे दायर करने की धमकियां दी जाती हैं और जुर्म क्या है कि महज बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर क्यों न लगाए, इस पर सवाल खड़ा करना। आखिर किस दिशा में मुल्क के भविष्य को ले जाने की कोशिश कुछ लोगों की जानिब से की जा रही है। बेलगाम पुलिस महकमा में एक से एक बेहतरीन और इंसाफ पसंद आला अफसर है और इन्हीं की वजह से बेलगाम का अमन बरकरार है। लेकिन कोई ये कह दे के मुझे यहाँ कोई हिला नहीं सकता, मैं तो सीएम के पीए का रिश्तेदार हूँ, तो बात संगीन जरूर बन जाती है। लिहाजा यौम जमहूरिया के मौके पर कुछ जगहों का जायजा लेकर वहां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर को लगाने की मांग की गई। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के कुछ कारकुनान ने लेकव्यू हॉस्पिटल के सामने एहतजाज कर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर को लगाने की मांग की। आरपीआई का कहना है कि हमने इससे पहले भी कई मरतबा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर को लगाने का मुतालबा किया था, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर मगरूर जवाब देने का इल्जाम आरपीआई ने लगाया है। खैर आज मुख्तलिफ स्कूलों कॉलेजेस मोहल्लों में जश्न यौम जमहूरिया मनाया गया। आइए देखते हैं कुछ मनाजिर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಫೋಟೋ ಯಾವ್ದು Oh,
ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಕೃತ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಅಪಮಾನವಾಗಿದೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಒಂದು ಎರಡೇ ಮಾತು ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾದ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಳುವಳಿಗೆ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಜೆಯಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಚಳವಳಿಯನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಜೈ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೆಲಗಾಮ್ ಸಿಟಿ ಮೇ ಕಹಿ ಲೋಗ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಫೋಟೋ ಲಗಾತೆ ನೀ 26 ಜನವರಿ ಹೋ ಚಾಹೆ 15 ಅಗಸ್ಟ್ ಹೋ तो यहाँ के लोग सब नज़र आ रहे हैं कि सब अंबेडकर के विरोधी लोग हैं. तो इनको कितना भी अगर बोलेंगे तो ये नहीं करते. तो ये सब देशद्रोही है. तो इनके ऊपर प्रकरण दाखिल होना चाहिए और इनके ऊपर देशद्रोही केस होना चाहिए. अगर एक केस नहीं होगा तो हमारी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अम्बेडकर से हम देश भर उग्र होराटा करेंगे.